ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के सभी ऑपरेटर भाइयों, छोटे और बड़े को नमस्कार। और हमारे ये बबलू जी, दिलीप घोष जी, आपका नाम रवि और भाई की तरफ से हमको यहाँ आने का मौका मिला है। जो हम भी पहले ऑपरेटर थे, अभी भी हैं, हम ऑपरेटर का ही काम करते हैं। और इसमें जो भी आप लोग बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेटर का इसमें हम लोग का कमी क्या है और हम लोग को कहाँ सुधार करना चाहिए और ऑपरेटर को कैसा रहना चाहिए, ये सब ऑपरेटर भाई को ये जो एकता सहायता फाउंडेशन से जो मीटिंग बुलाया है और बाकी लोग जो है हमारे दो भाई बोल चुके हैं, उसमें तो आप लोग को कुछ मालूम हुआ है। अगर हम कहा बोल रहे हैं ऑपरेटर भाई, यहाँ पर सुनिए, एक जो अपने ये छोटा गाँव में शहर में एक रिक्शा चलाने वाला भाई है, चाहे और भी रिक्शा वाला भाई है, जो एक रिक्शा वाला है, अगर कोई गाड़ी उसको धक्का दे देता है तो पूरा रिक्शा वाला खड़ा कर देता है कि ये हमको धक्का दिया है। और हम लोग ऑपरेटर भाई हैं, हम लोग लाखों लोगों का मशीन चलाते हैं, एक ओनर का घर चलाते हैं। अगर उस अगर हम लोग में एकता रहे तो समझिए कि उसका हम लोग को फायदा होएगा। जैसे उसके ओनर के सामने और मजबूरी है कि उसको फाइनेंस देना है, घर चलाना है, मशीन का मेंटेनेंस, और एक ऑपरेटर छोड़ता है और दूसरा ऑपरेटर बिना पूछे वहाँ चला जाता है। तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि पहला ऑपरेटर क्यों छोड़ दिया, हम क्यों जा रहे हैं, उसमें क्या कमी है, उसको पैसा मिला नहीं मिला, या टाइम से ज़्यादा उससे काम करवाता, ये पहले आपस में आप लोग जितना भी भाई बैठे हैं सबसे कॉन्टेक्ट रहता है, सब लोग ये बात को समझिए कि हाँ दूसरा क्यों छोड़ के जाए और हम वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये आप बात समझिए और समझ के मिलजुल कर ये सहायता ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को चलाइए। इसमें जो भी और ये इसमें हम लोग का जो ऑपरेटर सहायता एकता फाउंडेशन है, इसमें ऑपरेटर लोग जो कब काम कर रहा है और कितने महीने से काम कर रहा है और कितना उनका जो मासिक सैलरी कितना है, वो हमारे एकता सहायता फाउंडेशन में ये जो बबलू भाई बैठे हैं इनके ईमेल पर ईमेल करें। एक पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया कि कोई भी इमरजेंसी छुट्टी, जैसे 8 दिन में कोई गांव में दुर्घटना हो गया है, कोई शादी है, कोई इमरजेंसी काम है, तो उसका पैसा जो भी आप मालिक या ठेकेदार जो भी है जिसके पास आप लोग काम कर रहे हैं उससे वो पैसा आप लोग 8 दिन का लेकर जाएं। इसके लिए एकता सहायता फाउंडेशन इसका जिम्मेवार नहीं होएगा। और तीसरा क्या है, इसका जिम्मेवार नहीं होएगा। चौथा है कि आप कोई भी मशीन चला रहे हैं उसमें खराबी हो जा रहा है, कोई भी मशीन आप कार उसमें खराबी हो रहा है, उसमें आप ऑपरेटर और हेल्पर दोनों मिलकर जो भी मैकेनिक इंजीनियर आए उसके साथ में उस काम करना होएगा। और ऑपरेटर जो भी है वो हेल्पर के बदौलत मशीन नहीं छोड़े, क्योंकि जिम्मेवारी ऑपरेटर का ही होएगा। कोई भी ऑनर होएगा या मालिक होएगा या सुपरवाइजर होएगा, वो ऑपरेटर से पूछेगा कि भाई तुम्हारे हम बदौलत मशीन दिए थे, तुम हेल्पर को क्यों देखे। तो इसका जो भी है ऑपरेटर जिम्मेवार होएगा मशीन का, हेल्पर के ऊपर मशीन ना छोड़े। और इसमें पांचवा है, और पांचवा है कि हाँ जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसका ओवर टाइम कितना समय तक, ये जो आपका मशीन ओनर काम करवा रहे हैं उसका ओवर टाइम अगर नहीं दे रहा है तो उसका प्रूफ आपको जमा करना है कि हम कितना टाइम तक काम करते हैं। अगर वो कार्ड देता है, एक मास्टर कार्ड आता है, मास्टर कार्ड देता है, उसमें आपका परजेंट ओवर टाइम डालता है तो सही है, नहीं डालता है तो आप अपने से उसका कोई प्रूफ बनाइए कि हाँ हम इतना टाइम तक ड्यूटी करते हैं, इतना सुबह तक मशीन चालू किए और शाम को हम इतना टाइम तक मशीन किए, उसका प्रूफ आपको जमा करना है। उसके लिए ऑपरेटर एकता सहायता जिम्मेवार होएगा। और ये जो ऑपरेटर एकता सहायता है फाउंडेशन, इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कीजिए और अपना जो आइडेंटिटी कार्ड बनवाइए। इतना ही बोलकर मैं अपने ये जो बात है हमारा बात उसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय एकता सहायता फाउंडेशन, जय बांग्ला, जय भारत।